हरियाणा के विभिन्न किसान संगठनों द्वारा चंडीगढ़ कूच के ऐलान के बाद बेशक हरियाणा सरकार के आदेशों पर किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया गया हो, लेकिन किसान नेताओं के आह्वान के बाद शंभू बॉर्डर पर किसान पहुंचने शुरू हो गए हैं। किसी तरह की अप्रिय घटना को रोकने और किसानों को चंडीगढ़ जाने से रोकने के लिए अंबाला पुलिस ने भी शंभू बॉर्डर पर पुलिस बल तैयार कर दिए हैं, ताकि किसानों को चंडीगढ़ की तरफ जाने से रोका जा सके। इस दौरान शंभू बॉर्डर पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। वहीं किसान नेताओं का कहना है कि किसान आ रहे हैं और सभी मिलकर एक साथ चंडीगढ़ के लिए शंभू बॉर्डर से रवाना होंगे। वहीं पुलिस बल ने बॉर्डर पर पहुंच रहे किसानों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया है। आज जो कॉल दी थी उसके लिए रणनीति पूरी है और लोग आ भी रहे हैं अभी पीछे, लेकिन पुलिस वगैरह रोक के जाएगा कहीं। लेकिन हम किसानों से यही विनती कर रहे हैं बार बार कि आपने रुकना नहीं है और जैसे भी करके जाना है चंडीगढ़। सर क्या मांगे हैं जो वहाँ पर लेके इस समय जाया जा रहा है? मांगे सर यही हैं, जो अब पीछे बाढ़ आके हटी है उसके कारण जो नुकसान हुआ, खेत का, फसल का, पशु का, मकान का, जो भी हुआ उसके लिए किसान अपनी मुआवजे की मांग कर रहे हैं। उस मुआवजे की मांग को लेकर और MSP गारंटी या कानून जो रह गए बीच में उन मांगों को लेकर, और जो जमीनों वाला मसला है अपना उसको लेकर सारी मांगे लेकर तो प्रशासन यदि आगे नहीं जाने दिया जाता तो उसके बाद क्या रणनीति रहेगी? देखो प्रशासन का अपना काम है, उन्होंने अपना करना, हमें अपना करना है, ठीक है, जहाँ रोके देख रहे हैं जो भी हो। अंबाला के SP जशनदीप रंधावा ने कहा कि कुछ संगठनों द्वारा कॉल दी गई थी चंडीगढ़ का घेराव किया जाएगा, इसको देखते हुए शंभू बॉर्डर पर पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। जिनके पास प्रदर्शन करने की परमिशन नहीं है उसे आगे जाने नहीं दिया जाएगा। आज एक कुछ जथेबंदियों वगैरह कुछ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कॉल दी गई थी कि वो चंडीगढ़ में घेराव करेंगे, जिसको मद्देनजर रखते हुए हमने प्रॉपर यहाँ पे पुख्ता सिक्योरिटी प्रबंध कर रखे हैं, ताकि कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले और जिसके पास कोई प्रोटेस्ट करने की परमिशन नहीं है उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। सर क्या आगे जाने दिया जाएगा किसानों को, यही रोका जाएगा? हाँ जी, आगे किसानों को जाने दिया जाएगा, यही रोका जाएगा? देखिए मैंने आपको बताया कि जिसके पास भी कोई प्रोटेस्ट करने की परमिशन नहीं है तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। वहीं IG सिवाज कविराज ने कहा कि सुरक्षा को देखते हुए पुलिस बल तैनात किए गए हैं और कुछ किसानों को हिरासत में लिया गया है, वह सहयोग भी कर रहे हैं। अभी तक स्थिति कंट्रोल में है, अभी तक कोई भी रूट प्रभावित नहीं है, ट्रैफिक इसी तरह से चलता रहेगा। कानून व्यवस्था पर कार्य करने के लिए जिससे कि वो वहाँ जाकर किसी तरह का उपद्रव ना करें, तो पूरे इंटरेक्शन ले रहे हैं और उसके तहत जो है यहाँ पर शंभू बॉर्डर पर और जितने भी बॉर्डर मिलते हैं वहाँ पर हम लोगों ने बहुत प्रयास की है और हम उन्हें जो है यहाँ पर रोकने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आगे जाकर चंडीगढ़ में किसी तरह की कानून व्यवस्था की किसानों को रोका गया है। हाँ, कुछ एक जगहों पर जो है उन्हें डिटेन किया गया है और अभी तो सारा चीज़ शांतिपूर्ण है, तो इसमें जो किसान नेता हैं और जो किसान हैं वो हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं और पारस्परिक तालमेल से ये जो सारा ऑपरेशन है ये चल रहा है। नहीं, रूट जो है एज इट इज चलते रहेंगे, हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि आम लोगों को कोई परेशानी ना हो और साथ में ये भी ध्यान रख रहे हैं कि ट्रैफिक जो है वो ठीक से चलता रहे लगातार, इसके लिए हमारे जो है। गौरतलब है कि किसान नेताओं के आह्वान के बाद शंभू बॉर्डर पर किसान पहुंचने शुरू हो गए हैं। किसी तरह की अप्रिय घटना को रोकने और किसानों को चंडीगढ़ जाने से रोकने के लिए अंबाला पुलिस ने भी शंभू बॉर्डर पर पुलिस बल तैनात कर दिया है। पंजाब के सिटी टीवी के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।